वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेब फ्रॉक फॉर 9 to 10 ईयर बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1.5 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम टॉप का मिडल पार्ट कट करेंगे। तो फोल्ड एरिया से 5 इंचज़ पर हम मार्क करना है और नीचे वाले बॉर्डर पर हमें फोल्ड एरिया से 3 इंचज़ पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है इस तरीके से। और यहाँ पे हम टॉप का मिडल पार्ट कट करेंगे सबसे पहले। अब हमें इसे कट कर लेना है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने रखी है 13 इंचेस और यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस हम लेंगे 2.5 इंचेस और लेंथ हमें लेनी है बैक पार्ट के लिए 1 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें नेक ड्रॉ करना है यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें इसे कट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट के लिए नेक कट करेंगे और यहाँ पे बैक पार्ट को हमें अलग करना है और पार्ट को फिर से 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट के लिए नेक कट करना है। तो इस तरीके से हमें 2 पीसेस मिल गए हैं टॉप पार्ट के लिए मिडल पार्ट के। और यहाँ पे इसे डेकोरेट करने के लिए हमने रेड फैब्रिक से इस तरह के स्ट्रिप्स कट की हुई, जिससे हमें यहाँ पे उल्टा रखना है इस तरीके। दोनों साइड पर दोनों पार्ट्स पर हमें स्ट्रिप्स को बॉर्डर को मिलाते हुए उल्टा रखना है और नेक पार्ट पे भी हमें स्ट्रिप्स को उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है दोनों साइड पे और नेक पार्ट पे स्ट्रिप्स को। और यहाँ पे स्ट्रिप्स को हमें यहाँ पे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें इस तरीके से मोड़ना है और इसके ऊपर हमें स्ट्रिप्स को डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पे और पाइपिंग करते हुए हमें सिलाई करनी है। तो दोनों साइड पे और नेक पार्ट पे हमें इस तरीके से सिलाई करनी है रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए। ये देखिए हमने दोनों मिडल पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं टॉप पार्ट के इस तरीके से। अब यहाँ पे टॉप पार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे इस तरह की 4 स्ट्रिप्स हमने कट की हुई है फ्रंट और बैक के लिए और जिसकी लेंथ हमने ली है 8 इंचेस और ब्रॉडनेस हमने ली है 5 इंचेस और यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे अरेंज करना है दोनों साइड पे और अटैच कर लेना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमें क्रॉस में एक्स्ट्रा फैब्रिक को रिमूव करना है और यहाँ पे इस तरह का शेप हमें ड्रॉ करना है और हमें इसे कट कर लेना है लेफ्ट और राइट पार्ट के लिए। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इस तरीके से हमें अरेंज करना है और रेड फैब्रिक से हमें स्ट्रिप्स कट करके यहाँ पे अटैच करना है अपर बॉर्डर पे और यहाँ पे भी हमें सिलाई करते हुए रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए हमने चारों पार्ट्स को हमने रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे हमें दोनों पार्ट पे मिडल पार्ट के साथ इसे अटैच करना है। इसके ऊपर हमें मिडल का पार्ट सीधा रखना है और लेफ्ट साइड में भी हमें लेफ्ट पार्ट को इस तरीके से अरेंज करना है और हमें सिलाई करनी है और दोनों मिडल पार्ट के साथ हमें लेफ्ट और राइट पार्ट को अटैच कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए हमने दोनों टॉप पार्ट रेडी कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब यहाँ पे बॉटम के पार्ट के लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं फैब्रिक से फ्रंट और बैक के लिए
और यहाँ पे हम बॉक्स प्लेट बनाएंगे जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 45 इंचेस और लेंथ हमने रखी है 25 इंचेस। और यहाँ पे हमें बॉक्स प्लेट बनानी है तो सबसे पहले हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। दोनों पार्ट पे हमें सेंटर मार्क कर लेना है इस तरीके से, और सेंटर से दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में हमें यहाँ से 3 इंचेस पे मार्क करते जाना है इस तरीके से। वन बाय वन हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे 3 इंचेस पे मार्क करते जाएंगे। लेफ्ट साइड में हमें मार्किंग करनी है और इस तरीके से सेंटर से राइट साइड में भी हमें मार्क कर लेना है 3 इंचेस पे वन बाय वन। अभी हमारे मार्किंग हो गई है, यहाँ पे हमें प्लेट्स लेनी है तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से सेंटर तक हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम पिन कर लेना है। और इस तरीके से ऑपोजिट साइड में हमें प्लेट्स लेनी है मार्क को मिलाते हुए, और फिर से हमें प्लेट्स लेनी है लेफ्ट टू राइट, और इस तरीके से हमें बॉक्स प्लेट रेडी करनी है लेफ्ट साइड में और हमें पिन कर लेना है वन बाय वन। और इस तरीके से राइट साइड में भी हमें वन बाय वन प्लेट्स लेनी है और हमें पिन करते जाना है लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, हमें प्लेट्स लेनी है। और यहाँ पे हम बॉक्स प्लेट रेडी करेंगे इस तरीके से। तो एक पार्ट पे हमने बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है और इस तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें बॉक्स प्लेट रेडी करनी है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट पे बॉक्स प्लेट रेडी कर ली है। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसकी ब्रॉडनेस को सिमिलर रखते हुए हमें बॉक्स प्लेट रेडी करनी है, और यहाँ पे ऊपर से सिलाई करते हुए हमें बॉक्स प्लेट को फिक्स कर देना है दोनों पार्ट्स में फ्रंट और बैक में। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स में बॉक्स प्लेट को फिक्स कर दिया है। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे यहाँ पे हमें अरेंज करना है और इसके ऊपर हमें इसे उल्टा रखना है बॉर्डर को मिलाते हुए, और हमें सिलाई करनी है। और इस तरीके से दूसरा पार्ट भी हमें बॉटम के साथ अटैच कर लेना है टॉप पार्ट को। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम जॉइंट कर लिए हैं और दोनों पार्ट को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिए हैं, और एक को राइट रखते हुए दूसरा हमें उल्टा रखना है इसके ऊपर, और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे हम यहाँ पे फ्रंट और बैक को। और अच्छे से मिलाने के बाद दोनों शोल्डर में हमें सिलाई करनी है और दोनों तरफ से 1 इंच की डिस्टेंस पे हमें सिलाई करते हुए फ्रॉक को हमें फिटिंग कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं और दोनों तरफ से 1 इंच की गैप पे सिलाई करते हुए फ्रॉक को हमने राइट साइड पे टर्न किया है, और इसकी जो नीचे वाली बॉर्डर है फ्रॉक की इसे पूरे राउंड में हमें डबल फोल्ड करना है रॉन्ग साइड पे और हमें सिलाई करनी है। ये देखिए हमने नीचे वाले बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ये बेबी फ्रॉक हमारा रेडी है। तो फाइनली तैयार है हमारा डिज़ाइनर बॉक्स प्रिंटेड बेबी फ्रॉक। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही उस बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।